मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ की इंग्लिश का लेसन नंबर 5, जिसका नाम है डील इज अ डील। डील का मतलब होता है सौदा, सौदा एक सौदा है। अब हम लेसन शुरू करते हैं। इन अ सिटी ऑफ इटली देयर लिव अ पुअर शू मेकर। इटली की एक सिटी है, एक शहर है, वहाँ पे एक गरीब शू मेकर रहता है। शू मेकर क्या होता है? जो शूज़ बनाते हैं। ही वर्क विद ग्रेट स्किल मेकिंग फाइन लेदर शूज़ एंड सैंडल्स। वो अपनी लेदर शूज़ और सैंडल बनाने की काबिलियत से काम करता है। स्किल होता है काबिलियत, हुनर। हिज डॉटर कार हेल्प इन द शॉप बाय पॉलिशिंग द शूज़ अंटिल दे शोन। उसकी जो बेटी है कार, वो उसकी दुकान में मदद करती है। वो शूज़ को तब तक पॉलिश करती है जब तक वो चमक नहीं जाते। वन डे द शू मेकर लोडेड हिज वैगन विद गुड्स एंड हिज जब हिज ओनली हॉर्स। एक दिन जो शू मेकर है वो अपनी वैगन, अपनी गाड़ी को माल के साथ भरता है और इकलौते घोड़े को रोकता है। अब शू मेकर और कार्ल के बीच में बात हो रही है। शू मेकर, विश मी लक कार्ल, आई एम गोइंग टू द मार्केट एंड होप टू रिटर्न बिफोर डार्क विद माई पॉकेट्स फिल विद कॉइन्स। अब शू मेकर अपनी बेटी कॉल को बोलता है कि मुझे गुड लक विश करो, मैं मार्केट जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अंधेरा होने से पहले मैं वापस आ जाऊँ और जो मेरी पॉकेट है वो पैसों से भरी हो। कॉल, गुड लक पापा, डू कम बैक सून, आई विल हैव द रेस्ट ऑफ द शूज़ पॉलिश बाय द टाइम यू कम बैक। अब कॉल जो है अपने पापा को गुड लक विश करती है और बोलती है जल्दी वापस आना और मैं कोशिश करूँगी कि आपके आने से पहले मैं जितने भी शूज़ बचे हैं उनको पॉलिश कर दूँ। इन द मार्केट, अब मार्केट के बीच में बात चल रही है। मर्चेंट, मर्चेंट होता है व्यापारी, ठीक है। अब मर्चेंट क्या बोलता है? हे वेट माई गुड फेलो, पिक अप अ पेयर ऑफ लेदर सैंडल्स एंड एडमायर दैम। फेलो का क्या मतलब होता है? साथी, ठीक है। अब मर्चेंट जो है वो शू मेकर को रोकता है, बोलता है रुको मेरे अच्छे साथी, और वहाँ पे जो लेदर की सैंडल्स होती है उनका एक जोड़ा उठाता है और उसकी तारीफ करता है। आई सी यू डू फाइन वर्क, वेरी फाइन इंडी, लुक एट द शू मेकर विद अ स्ले ग्रीन, हाउ मच फॉर एवरीथिंग। अब जो मर्चेंट है, जो व्यापारी है, वो उसको बोलता है, उसकी तरफ हल्की सी स्माइल करके देखता है और बोलता है तुमने बहुत अच्छा काम किया है, इन सब के तुम कितने पैसे लोगे। शू मेकर, 20 कॉपर पीसीस फॉर एवरीथिंग। वो उसको बोलता है कि 20 मैं तांबे के पीसीस लूँगा इन सब के लिए, ठीक है। मर्चेंट, इट्स अ डील, हियर द मनी। द मर्चेंट क्लेम्स ऑन द वैगन सीट हिमसेल्फ नेक्स्ट टू द शू मेकर। मर्चेंट जो है वो अब उसकी गाड़ी पे चढ़ता है और शू मेकर के पास में बैठ जाता है और बोलता है ये एक डील रही, ये एक सौदा रहा और ये लो पैसे। नाउ स्टेप डाउन एंड बी ऑन द वे। फिर वो उसको बोलता है अब नीचे उतरो और अपने रास्ते जाओ। शू मेकर, व्हाट्स दिस। शू मेकर थोड़ा सा हैरान होता है और बोलता है ये क्या। मर्चेंट, कम नाउ माई डियर फेलो, लेट्स नॉट आर्ग्यू, यू डिड एग्री टू सेल मी एवरीथिंग, डिड नॉट यू। अब मर्चेंट जो है, जो व्यापारी है, वो शू मेकर को बोलता है देखो मेरे प्यारे साथी, अब हम बहस नहीं करते, तुम इस बात को मानो कि तुमने हर एक चीज़ बेची है पर खुद को नहीं। शू मेकर, वेल यस बट। शू मेकर थोड़ा सा हैरान होते हुए बोलता है हाँ पर। मर्चेंट, आई टेक यू एट योर वर्ड, एवरीथिंग इंक्लूडिंग योर वैगन एंड योर हॉर्स, आफ्टर ऑल अ डील इज अ डील। अब जो व्यापारी है वो उसको बोलता है कि तुमने मुझे हर एक चीज़ बेची है, जो तुम्हारी गाड़ी है, चाहे तुम्हारा घोड़ा है, हर एक चीज़, और आफ्टर ऑल जो डील है, जो सौदा है, वो सौदा ही है। इफ़ यू डोंट एग्री विद मी वी विल गो बिफोर द जज, देयर वन जस्ट डाउन द स्ट्रीट। वो कहता है अगर तुम मेरी बात से एग्री नहीं करते हो तो हम जज के पास जाएंगे जो इस स्ट्रीट के नीचे रहता है। बच्चों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, कल उनकी पढ़ेंगे कि उनकी कोर्ट में क्या बात होती है जज के साथ, ठीक है। ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।